रीवा में पुलिस ने महिला की अंधी हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि महिला की हत्या उसके बेटे ने ही की है। इस कलयुगी बेटे ने मां की निर्मम हत्या का वीडियो बनाया और सेल्फी भी ली। जावा में अतरेला पुलिस ने बताया कि चाकू से गला काटकर महिला की निर्दयता पूर्वक हत्या करने वाला आरोपी खुद उसका पुत्र निकला। हत्या के बाद आरोपी ने उसका वीडियो बना लिया और मां के शव के साथ सेल्फी खींचकर आरोपी ने ठहाके भी लगाए। गौरतलब है कि लोग जंगल में एक दिन पूर्व महिला का खून से लथपथ शव बरामद हुआ था, जिसकी चाकू से गला काटकर हत्या की गई थी। महिला की हत्या पर पुलिस को शुरू से ही पुत्र धीरेन्द्र पांडे पर संदेह था, जो घटना के समय लापता था। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुल्म कबूल कर लिया। महिला को ढूंढने के बहाने आरोपी घर से चाकू लेकर निकला था। नाराज होकर अपने मायके जा रही मां को उसने गाड़ी में बिठाया और जंगल में ले जाकर हत्या कर दी। जिस मोबाइल से हत्या का वीडियो बनाया गया था उसे जब्त कर लिया गया है। हाँ, ये महिला थी सावित्री पांडे, करीब 42 वर्ष के आसपास उम्र है इसकी। ये इसका पति, इसका लड़का, बहू सब साथ में रहते थे। करीब 2016 में इसका एक बेटा था मृतका का, जो एक्सपायर हो गया था। तो ससुराल वालों का कहना है, जिसके पति वगैरह का कहना है कि तब से थोड़ा सा परेशान रहती थी। मायके वाले बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन तथ्य कुछ आए हैं कि जिसमें ये बहू से, मतलब जो हमारा आरोपी है उसकी पत्नी से मृतिका का झगड़ा बहुत ज़्यादा होता रहता था, जिसके कारण से लड़का भी बहुत परेशान रहता था। उनके कलह के कारण ये महिला एक दो बार ऐसा पहले भी घर से चली गई थी। घटना दिनांक को भी यही हुआ कि महिला घर से चली गई विवाद के कारण से। जब वो सास बहू का विवाद हुआ, कुछ इस तरह से कहा सुनी हो गई, तो महिला चली गई कहीं। तो लड़का जो था वीरेंद्र पांडे, जिसकी उम्र करीब 23 साल है, ये गुस्से में गया, घर से चाकू लेके गया। और इसका जब कहना है, अभी जो कन्फेंस कर रहा है, कि मैं इतने गुस्से में था तो या तो मैं खुद को मार लेता या फिर उसको मार दूंगा, ऐसा सोच के ही गया था। तो जब ये गया है तो महिला इसको मिल गई है, माँ इसको मिल गई। उसको जब लेके आ रहा था मोटरसाइकिल में बिठा के, तो माँ कूद गई, कूद के अंदर की तरफ चली गई। इसका ऐसा कहना था, रोड से करीब 20-30 फीट के आसपास। तो उसने वापस मोटरसाइकिल रोकी, वो गया है, ये गुस्से में था, तो उसने माँ को चाकू मारा तो माँ गिर गई। और उसके बाद उसने दो चाकू और मारे और चाकू वहीं छोड़ के फिर ये वापस आया। जब बाद में ये तथ्य देखा, FSL टीम से हमने घटना स्थल का विजिट कराया, PM रिपोर्ट प्राप्त की, जब उसको देखा कि तीन चोटें, तो क्लियर हुआ कि हत्या का मामला है। पूछताछ की गई तो पूछताछ में सब चीज़ें क्लियर हो गई कि उसके पुत्र ने ही, यानी वीरेंद्र ने ही, अपनी माँ की गला रेत कर हत्या कर दी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।